एंड स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। देखो मैं भी रेडी हो चुका हूँ और मेरी रामप्यारी भी रेडी हो चुकी है, तो बस चलो निकलते हैं आगे की ओर। अरे भाई, मैं जैसे ही गुरुद्वारा से बाहर निकला तो मैंने देखा कि साइकिल में तो हवा ही नहीं है, पंचर थी साइकिल, अभी पंचर बनवाए। तो अभी हम आ चुके हैं दुख निवारण साहिब गुरुद्वारे में, तो चलो पहले आपको गुरु जी के दर्शन कराते हैं, बाबा के दर्शन कराते हैं, उसके बाद चलेंगे चखेंगे लंगर। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि मुझे एक साइकिल लेनी है, तो बस उसी के रिगार्डिंग आज लुधियाना में ही रुकना पड़ा है। आज 35 किलोमीटर ही चल पाया हूँ केवल। तो आज एक A1 नाम से एक कंपनी है साइकिल की, उसी में बात हुई थी, तो बोल रहे थे कि कल मैनेजर आएंगे, कल जो मैनेजर हैं वहाँ के वो कल आएंगे, तो कल उनसे बात हो पाएगी। देखते हैं एक साइकिल स्पॉन्सर हो जाए या गिफ्ट मिल जाए, चलो देखते हैं कल क्या होता है। अभी दोपहर 11 बजे के बाद ही निकल पाएंगे, क्यों 11 बजे तो जो बाबूजी हैं वहाँ के जो मैनेजर हैं वो 11 बजे आते हैं। इसी वजह से ना आज दुख निवारण गुरुद्वारा में ही रुकना पड़ रहा है, आज लुधियाना में ही। तो ये देखो गुरुद्वारे के पार्किंग का नज़ारा, लेकिन अपनी साइकिल जो है अपनी साइकिल पीछे खड़ी हुई है स्टैंड पे, साइकिल स्टैंड पीछे है। मैं जिस गुरुद्वारे में रुका था वहाँ एक भाई का एक मोबाइल चोरी हो गया है, तो वहाँ आप किसी को रुकने नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं आगे निकल आया हूँ 500 मीटर वहाँ से। 500 मीटर निकलने के बाद एक मंदिर मिला है, तो यहाँ पर पुजारी जी ने बोल दिया है कि रुक सकते हो आप, चलो आपको मंदिर में दर्शन कराते हैं श्री राम भगवान के, मैया के और शनिदेव के और भोलेनाथ के, चलो कराते हैं आपको दर्शन। ये है देखो मंदिर, श्री हर हर महादेव मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, ये देखो ऊपर लिखा है श्री हर हर महादेव मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट। यह मंदिर, ये देखो शनिदेव बाबा का मंदिर है, शनिदेव का, ओम शनिश्चराय नमः। यह देखो शनिदेव मंदिर, दर्शन कीजिए शनि महाराज के, जय हो शनिदेव। ये देखो मंदिर, देखो कराते हैं आपको मैया के दर्शन। ये बजरंगी बाबा हैं, जय बाबा बजरंगी। यह है राम दरबार, जय हो ईश्वर। और ये हैं अपने लड्डू गोपाल, आज जन्माष्टमी है तो लड्डू गोपाल झूले में बैठे हैं। देखो यह है राम दरबार, यह मैया का दरबार, यहाँ मैया विराजमान है माँ शेरावाली, जय माँ शेरावाली। ये देखो भोलेनाथ, गणपति बाबा, नंदी महाराज, और यह है भोलेनाथ का एक मंदिर। और यहाँ होते हैं हवन वगैरह। आज ना जन्माष्टमी है तो देखो मंदिर को किस तरह सजाया गया है। केवल मंदिर ही नहीं, आसपास के घर भी देखो सजाए गए हैं। देखो नीचे पर्स लगाया जा रहा है, ये देखो मंदिर की सजावट। दे
पर चल रहे हैं अभी भजन। जब भजन ख़त्म हो जाएंगे तो उसी के बाद फिर यहाँ पर लेटने का हो पाएगा, तो बस यहीं पर लेटेंगे। और आज की वीडियो इसी के साथ समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।